नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद कैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको लेज़र मार्किंग मशीन से दिखाएंगे कि आप कितनी डेप्थ अचीव कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे ये माइल्ड स्टील का छोटा सा टुकड़ा और हम इस पे एक फिगर डीप एनग्रेव करेंगे और हम देखेंगे कि कितनी डेप्थ हम अचीव कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हम सिर्फ 20 वाट की मार्किंग मशीन यूज़ कर रहे हैं। ये वाला रिजल्ट 50 वाट या 30 वाट की मशीन पे और बेटर आ सकता है। तो हम आप देख सकते हैं हमने एक डिज़ाइन चूज़ किया हुआ है। तो हम अपने वर्क पीस पर यह वाला डिज़ाइन डालेंगे और अपनी मशीन को 1 से 1.5 घंटे चलाएंगे और बीच बीच में हम इस ब्रश की सहायता से और इस WD-40 की सहायता से और इस रैक की सहायता से अपने वर्क पीस को साफ़ करते रहेंगे और अपनी फिर मार्किंग दोबारा चालू कर देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस पीस को अपने इस बोर्ड पे माउंट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना मार्किंग वाला एरिया कहाँ आ रहा है। तो जो अपनी ये फिगर है, ये मेरे आप देख सक अगर आप देख पा रहे हैं तो इस जो रेड लाइन से मार्क्ड एरिया उस पर ये आएगी। तो क्योंकि हम इसको बीच बीच में साफ़ करेंगे तो इसके लिए मैं इसको अच्छे से होल्ड कर लेता हूँ ताकि मेरी फिगर बीच में हिले ना, ताकि सफाई करते हुए मेरा वर्क पीस हिले ना, नहीं तो मेरी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। तो जब भी आप डीप एनग्रेव करें तो इस तरह से होल्ड करें। इस तरह की डीप एनग्रेविंग स्पेशली प्लास्टिक की डाइज में बहुत काम की है। जैसे आप प्लास्टिक की डाई बना रहे हैं और उसमें क्योंकि और किसी तरीके से लिखना, जैसे डेट वगैरह डालते हैं या कोई मार्कर लोगो डालते हैं, तो और किसी तरीके से लिखना बहुत कॉस्टली होता है। और ये वाली प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है आपको। तो मैंने अपना वर्क पीस अच्छे से माउंट कर दिया, अब ये हिल नहीं सकता है। तो हम बीच बीच में सफाई करेंगे, अगर हम मैं माउंट नहीं करता तो हिलने का डर था। और हम एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे जिसमें हम एक ऐप यूज़ करेंगे जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। हमने स्पेशल ये होल्डर बनाया है तो हम इस फ़ोन को ऐसे इस होल्डर पे लगाएंगे और ये फ़ोन जैसे स्लो मोशन कैमरा फास्ट स्पीड को स्लो में रिकॉर्ड करता है, हम इसमें स्लो कैमरा यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही लो फ्रेम रेट पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि हमारी बहुत वीडियो लेंथी होने वाली है तो उसको ये बहुत छोटा करके दिखाएगा। तो हमने ऐप चालू कर दिए और अपने इस वर्क पीस पे लगा दिया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा वर्क पीस बन चुका है, हमने उसको अच्छे से माउंट कर लिया है, हमने एक ब्रश ले लिया है और हमने बीच बीच में सफाई करने के लिए WD-40 भी ले लिया है और एक रैग भी लिया हुआ है। तो हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। मेरे को मार्किंग के लिए अब अपना वर्क पीस सिलेक्ट करना है और मार्क दबाना है। तो आप देख सकते हैं मार्किंग शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ही डीप एनग्रेविंग है इसलिए मार्किंग की प्रोसेस बहुत स्लो है। तो हम कुछ घंटे बाद चेक करेंगे कि मेरी मार्किंग की डेप्थ कितनी आई है। तो एक साइकिल पूरा हो जाने देते हैं, उसके बाद हमारे बहुत सारे साइकिल चलेंगे और बीच बीच में हम इस ब्रश की सहायता से लेज़र को ऑफ़ करके इसको ऐसे ऐसे साफ़ करेंगे और थोड़ा WD-40 भी डालेंगे ताकि जो कार्बन की लेयर आ रही है वो हट जाए, माफ़ कीजिएगा जो ऑक्साइड की लेयर आ रही है वो हट जाए। तो एक बार मेरी मार्किंग पूरी हो चुकी है, ऐसे बहुत सारे राउंड होंगे, कुछ हज़ार राउंड होंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कितनी डेप्थ मिली। तो दोस्तों मार्किंग करते करते हमें लगभग 1 घंटा हो गया है। अब हम अपने पीस की सफाई करेंगे ब्रश से और WD-40 की सहायता से और फिर मार्किंग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ और मैं इसको ब्रश से साफ़ कर रहा हूँ।
ऐसा करने से जो ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुई है और जो डेब्रीज जो मेटल की वेपर की बनती है वो साफ़ हो जाती हैं। तो ये मार्किंग की प्रोसेस में दोबारा शुरू कर देता हूँ। अब हम इसको अगले घंटे में चेक करेंगे कि हमें कितनी डेप्थ मिली और हम आपको वर्नियर की सहायता से नाप के दिखाएंगे कि हमने 20 वाट की मात्र 20 वाट की मशीन से लगभग 1.5 से 2 घंटे में कितनी डेप्थ अचीव करी। तो आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आखिर में हम ये भी बताएंगे कि इस तरह की मार्किंग के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, हमारी मार्किंग अभी भी चल रही है और हमें लग रहा है इसमें अच्छी खासी डेप्थ आ गई है। तो अभी हम अपनी मार्किंग प्रोसेस को रोकते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे पीस में कितनी डेप्थ आई है। तो आप शायद देख पा रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी डेप्थ आई है जो कि लगभग 1.5 mm के आसपास है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे इस वर्क पीस में 1 mm से ज़्यादा की डेप्थ आई है। तो अब हम आपको इसकी एप्लीकेशन भी बता देते हैं कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे कि आप कोई डाई बनाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की डाई होती हैं, जो इंजेक्शन मोल्डिंग की डाई होती है, उसमें हमें आमतौर पर डेट प्रिंट करना होता है या मंथ प्रिंट करना होता है, तो उसके लिए ये वाला मेथड बहुत ही काम का है। वहीं अगर आपको कोई छोटा मोटा लोगो प्रिंट करना हो, उसके लिए भी ये वाला मेथड बहुत काम का है। तो दोस्तों हमने आपको ये वाली प्रोसेस 20 वाट की मशीन से करके दिखाई थी, आगे हम आपको ये वाली प्रोसेस 50 वाट की मशीन से भी करके दिखाएंगे। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर आप किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आगे भी इसी तरह की काम की जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे।